नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं प्रशांत शर्मा। T20 विश्व कप में आज दिन का पहला मुकाबला वेस्टइंडीज़ बनाम बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है, जहां आज वेस्टइंडीज़ के धाकड़ बल्लेबाज बांग्लादेशी गेंदबाजों के आगे घुटने टेकते दिखाई दिए। वेस्टइंडीज़ ने पहली पारी में 7 विकेट गंवाकर 142 रन बोर्ड पर लगाए और एक बार फिर इस विश्व कप में लो टोटल मैच देखने को मिल रहा है। वेस्टइंडीज़ के लिए पहली पारी में शुरुआत में बल्लेबाजों ने शर्मनाक प्रदर्शन किया, मगर अंत में एक अच्छा फिनिश करके दिया। आज शुरुआत में वेस्टइंडीज़ के लिए कोई भी बल्लेबाज 100 के स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेल पाया। आज वैसे तो वेस्टइंडीज़ के लिए पहली पारी में काफ़ी कुछ गलत घटा, मगर शायद जो आंद्रे रसल के साथ हुआ उसे देखकर वेस्टइंडीज़ को ज़्यादा दुख हुआ होगा। आज रसल अपना खाता भी नहीं खोल पाए और अपना विकेट गंवा बैठे, यहाँ तक कि रसल ने एक भी गेंद नहीं खेली और डायमंड डक पर आउट हो गए। जिन लोगों को नहीं पता कि डायमंड डक क्या होता है, उन्हें बता दे कि जब कोई भी खिलाड़ी बिना एक भी गेंद खेले जीरो पर आउट हो जाता है तो उसे डायमंड डक कहा जाता है। बता दे कि रसल इकलौते ऐसे वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी नहीं हैं जो डायमंड डक पर आउट हुए हैं, बल्कि T20 विश्व कप जैसे बड़े मंच पर उनके अलावा वेस्टइंडीज़ के 2 और दिग्गज बल्लेबाज भी डायमंड डक पर आउट हो चुके हैं। उनसे पहले कायरन पोलार्ड साल 2010 और लंडन सिमंस साल 2014 के विश्व कप में डायमंड डक पर आउट हो चुके हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।